नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर, दीवाने खास तो फंक्शंस होंगी और भी बेहतर। ट्रेन जीटी नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। वेलकम टू पायल मल्टी प्लाजा, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स। सुविधा गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है PHE के जरिए श्रीपुर मोड़ बाईपास के करीब कुछ होटल और ढाबों के इलीगल वाटर कनेक्शन को काट दिया गया था। इसका नामे की जहां लोगों ने सताइश की थी, वहीं अब PHE की खामोशी पर सवाल भी उठाया जा रहा है। कांग्रेस काउंसिलर गुलाम सरवर ने कहा कि ये आई वॉच है। जब बड़े होटल या बड़े बिजनेसमैन के इलीगल कनेक्शन को काटने का वक्त आया तो PHE की कार्रवाई रुक गई। दूसरी तरफ सड़कों को चौड़ा करने के लिए जो तोड़ा जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हाटन रोड, बस स्टैंड बाजार और गुराई रोड का है, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सब देखिए, सच पूछिए तो ये सब आई वॉश है। असल जो बड़े लोगों का जो बड़ा होटल है या बड़े बिजनेसमैन है, जिन लोगों के पास इलीगल वाटर कनेक्शन है, उन लोगों को जो काटने का ज़रूरत है वो नहीं कटेगा। जाहिर सा बात है, गरीब लोग ज़्यादा तकलीफ दह होते हैं कि भाई ऐसा देख करके। आप देखिए, रास्ते को चौड़ा करने के सिलसिले में जो तोड़ा जा रहा है, तो आसनसोल में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हाटन रोड का है, ज़्यादा ज़रूरत तो बस स्टैंड बाज़ार का है, ज़्यादा ज़रूरत तो आपका SP गोराई रोड का है, लेकिन कहाँ कुछ है। तो आप सिर्फ आई वॉश करने से तो कोई नतीजा निकलने वाला है नहीं, तो सिर्फ आई वॉश है और कुछ है नहीं। आम जनता को देखिए, PHE का पानी नहीं मिल रहा है, वहीं पर ये बड़े बड़े होटल लाखों का चूना सरकार को लगा रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। आप देखिए, PHE हो, कॉरपोरेशन हो, आप राइजिंग पाइप से कनेक्शन लेकर के लोग 24 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं और जनरल आदमी को पीने का पानी में असर नहीं हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखने का जरूरत है ना। तो कॉरपोरेशन ही देखेगा, PHE ही देखेगा। घंटे के अंदर ही आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुल्टी LC मोड़ के करीब वाके टूटे हुए स्लैब को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया है। BJP माइनॉरिटी मोर्चा नेता जिशान कुरैशी ने 2 दिन कबल मेयर विधान उपाध्याय को इस सिलसिले में ध्यान आकर्षित किया था। जिशान कुरैशी ने इस काम के लिए मेयर और MC का शुक्रिया अदा किया। आज अभी से 48 घंटे लगभग पहले मैंने आसनसोल नगर निगम के मेयर श्री विधान उपाध्याय जी को एक पत्र लिखा था। कुल्टी LC मोड़, जो आपका कुल्टी से लगभग 4-5 वार्ड LC मोड़ से आने से मिलता है, और लगभग में 2 स्कूल, केंदुआ स्कूल और पालिका धारी मिलता है, उसको लेकर मैंने पत्र लिखा था, जिसको लेकर आसनसोल नगर निगम ने 48 घंटे के अंदर ही कार्य को शुरू कर दिया है। और मुझे पता चला है, और मैं गया उधर से आ भी रहा था तो देखा मैंने कार्य स्टार्ट है। मैं आसनसोल नगर निगम के मेयर श्री विधान उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और रहा बात, कुछ नेता लोग मेरा नकल कर रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं उस तरह कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कार्य कोई भी कराए, जनता का कार्य था, कार्य हो रहा है, कार्य होने से मतलब है, क्योंकि लोगों का परेशानी होती थी। कल शाम आधे घंटे की बारिश ने एक तरफ जहां लोगों को कुछ राहत दी, वहीं आसनसोल का हाटन रोड में जल जमाव से राहगीरों को मुश्किलात से 2-4 होना पड़ा। जल जमाव की वजह से जाम का मसला भी देखने को मिला। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups.
At Pile Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Pile Multi Plaza near Asansol Railway Station. क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज. वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस. इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है. फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं. मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए. एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल चितरंजन रोड, आसनसोल. यार एक बात पूछो. हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है. अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए. अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ. डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा. कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी. क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना. वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में. साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है. सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले. फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल. जब शहर में है दीवाने खास तो फंक्शंस होंगी और भी बेहतर. ट्रेन, जीटी रोड और बाईपास सब तरफ से है पास दीवाने खास. दीवाने खास को खास बनाती है यहाँ की डिफरेंट फैसिलिटीज. 8500 स्क्वायर फीट एरिया में फैले इस हॉल में ड्रिंकिंग वाटर, पावर बैकअप और 1000 स्क्वायर फीट वाले किचन समेत सारे सामानों की है सहूलियत. 2000 की कैपेसिटी और 250 लोगों के एक बैच में खाने का इंतजाम. एसी रूम्स विद अटैच बाथरूम, 3 इंट्रेंस, सीसीटीवी कैमरास भी है मौजूद. शादी हो या पार्टी, जरूर करें कॉन्टैक्ट. हमारा पता है रेल पारो की रोड नियर ऑटो स्टैंड, आसनसोल. नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी. 100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल, 713304. कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255. आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2BHK या फिर 3BHK की कर रहे हैं खोज तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस. पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा. गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इंटू रियलिटी. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफी करीब. तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें. हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल. ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए. फरिश्ते खदम, रसूले हशम, तमामे उमंग, गुलामे करम, वजूदो अदम, हुदूसो कदम, जहां में आया तुम्हारे लिए. तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक,
तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों फलक सीमा को समक में शिक्का निशा तुम्हारे लिए खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी ये खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए इशारे से चाह चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए सबा वो चले ये बाग फले वो फूल खिले ये दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जबान तुम्हारे लिए इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला खाना खिलाया मैं प्यासा था इसलिए मुझे पानी पिलाया तुम इसको छोड़ दो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म यही है कि इसको मैं जहन्नम में डालूं गौर से सुनना प्यारे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये आवाज दी गई फरिश्तों को फरिश्तों इसने एक यतीम के चेहरे पर खुशी के आसार इसकी वजह से आए आलमी शोहरत याफ्ता फकीर हजरत अल्लामा सैयद अली कादरी साहब जलवा बार है बगैर किसी ताखीर के हजरत माइक के रूबरू होने वाले हैं एक ऐलान यह है कि बंगाल और बिहार और झारखंड से बहुत सारे लोग हजरत की तारीफ लेने के लिए आए हैं मसलन उनसे आला हजरत 19 अगस्त बरनपुर दाता महबूब शाह फजल चपड़ी जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में श्रीपुर बंगाल बाय श्रीपुरी खानका तेरिया और अदान नूरी मस्जिद लेकिन और मुजफ्फरपुर श्रीपुर ये तमाम तारीखें मैंने हजरत के सामने पेश की हजरत ने माजरत चाही के शाबान मुअज्जज तक इस साल मैं बुक हूँ रमजान से पहले अब तारीख नहीं दे सकता हूँ रमजान के बाद आप रब्ता करें इंशाअल्लाह जरूर तारीख मिलेगी नतीब आले सुन्नत माइक में रूबरू जलसे में नहीं आए हैं आप अगर बार बार जलसे में आए हुए हैं तो एक मर्तबा सवाल की नियत से बोल ले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह लेके जब हथेली पर कोई जान चलता है ये जमीन चलती है आसमान चलता है और पीढ़ियां यजीदों की इसलिए न चल जाई कि सिर्फ नेक लोगों से खानदान चलता है सिर्फ नेक लोगों से खानदान चलता है हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मल ईमानो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है ये तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है थोड़ा सा ईमान समझ लो नारा लगाने में तो हम बहुत आगे हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम डालने के अंदर भी बहुत आगे हैं हम अगर अपनी पस्ती और बर्बादी के हवाले से गौर करें तो हम खुद कहते हैं वो फलां की वजह से बड़ा तासुब चल रहा है बड़ा ये हो रहा है बड़ा वो हो रहा है कभी हम अपने बारे में गौर नहीं करते कि हम क्या हैं हमारी आदतें कैसी हैं हमारी ज़िंदगी कैसी है आमतौर पर आज के मुसलमानों के जहन के अंदर एक सवाल खटक रहा है कि गजा से लेकर के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुसलमान परेशान क्यों जबकि कुरान कहता है वअंतुमुल आलू इन कुंतुम मुमिनीन गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हम कलेमा भी पढ़ते हैं हम नमाज भी पढ़ते हैं हम रोज़े भी रखते हैं हम तिलावत भी करते हैं हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी भी मानते हैं फिर हम परेशान क्यों तो अब मैं आपको समझा दूं कि जिस ईमान की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान ने कहा कि गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो
इस्तिलाही शरीयत के अंदर तो हम और आप मोमिन हो सकते हैं, लेकिन जिस मोमिन को अल्लाह गलबा अता करता है वो है कामिल मोमिन। और मुझे उस कामिल मोमिन की तफसीलात पेश नहीं करनी, एक हदीस की रोशनी में मैं पूरी जिंदगी के सिलसिले में आपको एक अजीम पैगाम देने की सआदत हासिल करूंगा। मुफ्तियाने किराम भी तशरीफ फरमाए, उलमाए ज़बीर एहतराम भी तशरीफ फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे से बढ़कर किसी का फतवा नहीं हो सकता। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु तआला ने हुजूर से पूछा, मल ईमानो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? अब जो ईमान हुजूर ने बताया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस ईमान को अपनी जिंदगी में तलाश करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी करने के बाद खुशी हो और गुनाह हो जाए तो खाना छूट जाए, गुनाह हो जाए तो नींद उड़ जाए, गुनाह हो जाए तो कोई चीज में दिल न लगे, गुनाह हो जाए तो करवटें बदलते रहें, गुनाह हो जाए तो बेकरार होते रहें, गुनाह की वजह से किसी तरह से हमें करार न हो, अगर ये हमारी कैफियत बन जाती है तो कोई आपके बारे में कुछ भी फतवा दे, हुजूर का फतवा आपके लिए मोमिन का है। कुरान ने यही तो कहा कि वो काफिरों की सोहबत में रहकर काफिर हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको खानदान ही से खत्म कर दिया। लैसा मिन अहलिक फरमाकर फरमाया कि ये आपकी आल से न रहा। अगर माएं और बहनें मौजूद हैं, मेरी बहनों अगर तुम्हारे पास ईमान मौजूद है तो तुम किसी मजबूर की बीवी भी हो तो भी तुम जन्नती हो, लकड़हारे की बीवी हो तो भी तुम्हारे लिए इज्जत और सुरखरुई का जरिया है, बल्कि अगर तुम किसी फकीर और भीखमंगे की बीवी भी हो तो भी तुम्हारे लिए आखिरत में निजात का सामान है अगर ईमान है तो, और अगर ईमान नहीं है तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी जहन्नम में जा रही है, एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी जहन्नम में जा रही है। अंदाजा फरमाए ईमान कितनी कीमती शय है। अल्लाहू अकबर, सारे नसब की फजीलत ईमान पर मौकूफ है, आमाल की फजीलत भी ईमान पर मौकूफ है। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौधरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फज़ल ईमान पे है, फज़ल नसब भी मौकूफ, फज़ल ईमान पे है, फज़ल नसब भी मौकूफ, भूल हक को भी लगा हाथ न तदबत के सिवा। अल्लाहु अकबर, ईमान इतनी कीमती शय है। अब अगर ईमान ही को समझना है, अंदाजा फरमाए ईमान नहीं है नबी का चचा कहलाता है, कुरान उसके जहन्नम में जाने का ऐलान कर रहा है अबू लहब को, अल्लाहु अकबर। और ईमान है अल्लाह अल्लाह, रंग पक्का है, हबशी नस्ल है, होंठ मोटे हैं, दांत बड़े हैं, लेकिन वो बिलाल के पास ईमान इतना मजबूत है कि बड़े बड़े अरबी जमीन पर खड़े नजर आते हैं और वो हबशी काबतुल्लाह की छत पर नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, ईमान कितनी कीमती शय है। इसलिए हमारे यहाँ ईमान की अहमियत है, मगर ईमान कहते किसको है? अल्लाहु अकबर, ईमान मजबूत यकीन को कहते हैं। जहाँ शक होगा वहाँ ईमान नहीं होगा, जहाँ ईमान होगा वहाँ शक नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, आज मेरी कौम के लोग बड़े नाजुक मोड से गुजर रहे हैं, बड़े नाजुक दरवाजे से गुजर रहे हैं, बड़ी नाजुक पगडंडियों से गुजर रहे हैं। इंटरनेट का दौर है, तरह तरह की बोली बोलने वाले खुतबा मौजूद है, नाबालिग मुहक्किकीन की भरमार है, जो कुछ कह देता है हम मुतासिर होकर उसी की बोली बोलने लगते हैं। किसी की तकरीर में जैबो लक्षेदार गुफ्तगू में सुन लिया, हुजूर को इनमें गैब नहीं, शक का शिकार हो गए। फिर अल्लामा मुदस्सिर जैसे लोगों की गुफ्तगू सुन ली, इनमें गैब है, कहां यार इनमें गैब है। कभी कहता है कि नहीं,
नहीं है, कभी सोचता है नहीं है, कभी सोचता है, यानी कि जलसा बदला, आपका जहन बदला, मुकरीर बदला, आपका अंदाज बदला, ये ईमान नहीं है। अल्लाह अकबर, किसी ने कह दिया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक शान नूरानियत भी है, मान लिया। किसी ने कह दिया अपनी तरह बशर है, मान लिया, वो भी मान लिया। किसी ने कहा नबी जिंदा है, वो भी मान लिया। किसी ने कहा मर कर मिट्टी में मिल गए, वो भी मान लिया। अंदाजा तो फरमाए, बड़ी माजरत के साथ मैं कोई डांट डपट करने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा यार, सियासी लोगों के भी तो कुछ मौकिफ होते हैं, उससे भी तुम हल्के हो गए कि तुम्हारा जहन रोजाना बदलता जा रहा है, हर लम्हा बदलता जा रहा है। यकीन वाले बनो, मजबूत यकीन वाले, मुकद्दर अल मुसन्निफ की वजह से रोजाना जहन ना बदले, इतना यकीन मजबूत कर लो। हुजूर सब है और हुजूर ही सब कुछ है, अल्लाह के बाद सब कुछ हुजूर है। यकीन कितना पुख्ता हो, बोलने वाला कोई भी हो, उस पर यकीन नहीं किया जाएगा, महबूब पर यकीन किया जाएगा। अगर कोई हुजूर की फजीलत बयान करता है तो हमारा कीदा ये होना चाहिए, बोलने वाले तू छोटी बोल रहा है, मेरा महबूब पैसे भी है, बोलने वाले तू छोटी बोल रहा है, मेरा महबूब पैसे भी बुलंद है। क्या लोगों को नहीं पता, आज अल्लाह अकबर नाबालिग मुहक्किकीन के कहने पर लोग हदीस के नाम पर हदीस का इंकार कर रहे हैं। एक हदीस में आ गया ऐसा है, हदीस सुनकर के ऐसा है, ये ये है और वो है। मैं कहता हूँ हदीस हसन है, सही है, हसन ले गैर ही है, लिदाती है, शाज है, गरीब है, ये सब इस लिहाज से पब्लिक को क्या लेना देना। आज की खबरें बस यहीं तक, किसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं, हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके, कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें, सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।